कि उपवास हम क्यों करते हैं। उपवास की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। क्या आपने बॉडी के अंगों को ओवर यूज करके आपने तकलीफ दी है? कोई गंदगी हो तो निकालने के लिए उपवास किया जाता है, तो जब गंदगी नहीं तो उपवास क्या कर लोगे? जो लोग रॉ फूड पे रहते हैं उनको उपवास की जरूरत नहीं के बराबर है। क्यों? कारण क्या है कि उपवास हम क्यों करते हैं? उपवास एक प्रकार का शारीरिक विश्राम है, अंदर के अंगों का विश्राम है ना। तो आपने अगर खूब स्टार्च, प्रोटीन, फैट या टॉक्सिक चीज़ें खाकर या आपने बॉडी के अंगों को ओवर यूज करके आपने तकलीफ दी है, तब तो फिर विश्राम की जरूरत है भाई। उनको रेस्ट देने की जरूरत है ताकि वो दोबारा सही ढंग से काम कर सकें। तो जब आपने कई महीनों से आपने अगर प्राकृतिक आहार पे अपना जीवन बिताया है तो आपके शरीर पर तो आपने कोई ऐसा स्ट्रेन या आपने कोई अत्याचार किया ही नहीं ना कि जिसके कारण आपको उपवास करना पड़े। तो इसीलिए प्राकृतिक आहारियों को यानी कि रॉ फूड पे रहने वाले लोगों को उपवास की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कोई आध्यात्मिक कोई प्रगति के लिए या आपको अपने मन को नियंत्रण करने के लिए यानी तो कई तरह के कुछ प्रयोग करने के लिए आप इस प्रकार का अगर उपवास का लाभ लेना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन नेचुरल रॉ फूड पे रहने वालों को मैं उपवास की राय नहीं देता। कारण क्या होता है कि आप रॉ फूड के अंदर ऑलमोस्ट आप 90% ऑफ वाटर कंटेंट की चीज़ों को खा रहे होते हैं, क्योंकि आप फल खा रहे हैं, आप सलाद खा रहे हैं, आप अंकुरित दालें भी खा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ठोस है तो एक नट्स और सीड्स है बस, और तो कोई ठोस चीज़ है नहीं। और उसमें भी अगर आप जूसेस पी रहे हैं और अगर आप बादाम का दूध पी रहे हैं, आप नारियल का दूध पी रहे हैं, उसमें भी आप पानी डाल चुके होते हैं। तो यूँ देखा जाए तो आपकी बॉडी में सॉलिड तो वो नाम मात्र है और मैक्सिमम तो वाटर कंटेंट है ना भाई। तो शरीर पर कहीं पर भी कोई अत्याचार हुआ ही नहीं ना, कोई ओवरस्ट्रेन हुआ ही नहीं, तो आप उपवास करके क्या करोगे? तो इसीलिए मैं रॉ फूड के ऊपर उपवास करने की राय मैं बिल्कुल नहीं देता। और मैं स्वयं भी बता रहा हूँ कि रॉ फूड पे जब से मैं रहा हूँ मुझे कभी उपवास करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर हाँ, ऐसे उपवास जैसे नवरात्रि आ गई तो थोड़ा उपवास कर लिया, पर उसमें भी थोड़ा आहार थोड़ा कम ही लेते हैं, लेकिन लेते तो ज़रूर हैं भाई। इसी तरह कभी कोई रसाहार करने का मूड आ गया, कभी कोई किसी को एकादशी करनी है, किसी को पूर्णिमा करनी है, उस दिन कुछ खाना ही नहीं है, पूरे दिन पानी पे रहना है, तो इस तरह के उपवास तो जायज़ हैं और आप कर भी सकते हैं। लेकिन नेचुरल फूड वालों को उपवास करने से क्या होगा, एक तो आपके बॉडी में कोई एक्स्ट्रा फैट या टॉक्सिक चीज़ नहीं जा रही है। जब नहीं जा रही है तो फिर आप उपवास करके करोगे क्या? क्यों? बॉडी से कुछ निकलना तो है नहीं। कोई गंदगी हो तो निकालने के लिए उपवास किया जाता है, तो जब गंदगी नहीं तो उपवास क्या कर लोगे? तो इस तरह से रॉ फूड वाले जो है अपने अच्छी तरह से पेट भर के आप अपना आहार खाते रहें, और अपने आप जब कभी नेचुरल फास्टिंग की जरूरत पड़े कि जैसे अचानक कोई तनाव आ गया जीवन में या अचानक कोई वातावरण में परिवर्तन आ गया, कोई किसी प्रकार की ऐसी कोई स्थिति पैदा हो गई कि जिससे आपकी भूख कम हो गई, आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो शरीर अपने आप में आपको गाइड करता है ना कि भाई भूख कम है या अभी मत खाओ, तो बस वो नेचुरल उपवास की तरफ जाओ। ये थोपा हुआ जो उपवास होता है ना, ये बाद में आपको तंग भी कर सकता है। मेरा एक वीडियो है दोस्तों, उपवास दुधारी तलवार, यानी कि उपवास अगर तारने का काम भी करता है ना तो उपवास मार भी सकता है, बता रहा हूँ। और कई लोग है ना एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं, यानी कि वो हथियार जो है जो एक प्रकार से ट्रीटमेंट की तरह है, क्योंकि उपवास एक उपचार है, तो लोग है ना उस उपचार को जीवन पद्धति बनाकर बार बार उपवास करना, बार बार खाना कम करना, ये सब करने से क्या होता है, शरीर इतना अव्यवस्थित हो जाएगा आपका कि एक समय आकर आपका वजन बहुत डाउन हो जाएगा, आपकी बॉडी की सारी जो एक सर्काडियन रिदम जो कहते हैं वो सारी डिस्टर्ब होने लग जाएगी और आपके चेहरे पे कोई रौनक नहीं रहेगी और आप लोगों के लिए उदाहरण भी नहीं बन पाओगे।
तो इसलिए मेरा मानना क्या मालूम है कि मध्यम मार्ग को अपनाएं और हमेशा जो कृष्ण ने गीता में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु, यानी कि युक्त आहार करो, जो जरूरी है शरीर को दे दो, और जब शरीर मांगे उपवास की तो उपवास कर लो, और वैसे भी छोटे मोटे जो कभी डायरिया बुखार या ऐसे होंगे तो उसमें उपवास की जरूरत पड़ती है, पर नेचुरल रॉ फूड वालों को ये भी नहीं होता, तो इसलिए उनको उपवास की झंझट ही नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस तरह से दोस्तों, नेचुरल फूड वाले मस्ती में रहे और जितनी भूख है उतना मस्ती से खाते पीते रहें, और जब शरीर मांगे तो उपवास कर लेना बस। तो चलिए दोस्तों, वो छोटी सी बात थी आपको समझाने के लिए, ये क्वेश्चन किया था किसी ने हमारे कमेंट बॉक्स में, इसलिए उसका जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में इसी तरह का कोई विषय लेकर।